आईपीएल 2021 के सीजन का तीसरा मुकाबला आज केकेआर और हैदराबाद की टीमों के बीच चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले को लेकर आपको इस वीडियो में ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आखिर इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की क्या कंफर्म प्लेइंग 11 रहेगी। इसके साथ ही आपको इस मैच की कन्फर्म प्रेडिक्शन भी इस वीडियो में पता चलेगी, यानी आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतेगी। इसके साथ ही दोनों ही टीमों के आपको आईपीएल के रिकॉर्ड आंकड़े भी बताए जाएंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आईपीएल 2021 के सीजन का तीसरा मुकाबला आज केकेआर और हैदराबाद की टीमों के बीच चेन्नई के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और बात करते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन की, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आखिर अब तक आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों के क्या हेड टू हेड के रिकॉर्ड रहे, यानी दोनों टीमें जब जब आईपीएल में आमने सामने आई है तो क्या दोनों टीमों के रिकॉर्ड रहे। तो अब तक दोनों टीमों के बीच यहां पर कुल 19 आईपीएल के मैचेस हो चुके हैं। इन 19 आईपीएल के मैचों में से केकेआर की टीम को 12 मैचों में जीत मिली, जबकि हैदराबाद की टीम को केवल 7 मैचों में जीत मिली है। यानी केकेआर की टीम का हैदराबाद की टीम पर अब तक आईपीएल में काफी अधिक दबदबा रहा है और काफी सही रिकॉर्ड यहां पर केकेआर की टीम का अब तक हैदराबाद की टीम के खिलाफ रहा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, यानी दोनों ही टीमों के यहां पर चेन्नई में रिकॉर्ड की, आज का मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा, तो दोनों टीमों के अब तक चेन्नई में क्या रिकॉर्ड रहे हैं। तो दोनों टीमों के अब तक चेन्नई में जितने भी मुकाबले हुए हैं उनमें केकेआर की टीम केवल 43% मुकाबले ही जीत पाई है, यानी केकेआर की टीम का चेन्नई की पिच पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया है, जबकि हैदराबाद की टीम का यहां पर चेन्नई की स्पिन पिच पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। यहां पर यह टीम 55% मैचेस जीत पाई है, तो कुल मिलाकर हैदराबाद के पास अधिक स्पिनर होने के कारण इसी टीम का शायद चेन्नई में अच्छा प्रदर्शन रहा हो। इसके बाद अगर हम बात कर रहे थे दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मुकाबले को आप माई 11 सर्किल पर खेलकर टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप माई 11 सर्किल को अभी डाउनलोड करते हो तो आपको हमारी तरफ से 1500 रुपए बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन्हीं 1500 रुपए में से केवल 1 रुपया लगाकर आप अपनी टीम बनाकर 1 करोड़ जीत सकते हो। और आपकी टीम अगर लक्ष्मण की टीम को बीट करेगी तो आपको आपकी विनिंग अमाउंट का 5 गुना कैश भी मिलेगा। और भी माई 11 सर्किल पर आपको काफी सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली हमारी तरफ से 1500 रुपए तो आपको वैसे भी फ्री मिलने वाले हैं। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके इस मुकाबले के लिए अपनी टीम बना ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। तो अब अगर हम बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेइंग 11 की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, इसके बाद वीडियो के आखिर में आपको इस मैच की कंफर्म प्रेडिक्शन भी बताई जाएगी। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, तो हैदराबाद के लिए इस मुकाबले में हमें मोस्ट लाइकली डेविड वार्नर रिद्धिमान शाह ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि नंबर 3 पर हमें केन विलियमसन खेलते हुए दिखेंगे, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर विजय शंकर और नंबर 6 पर जेसन होल्डर खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही नंबर 7 पर यहाँ पर अब्दुल समद, नंबर 8 पर राशिद खान, इसके साथ ही नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर संदीप शर्मा और नंबर 11 पर टी नटराजन खेलते हुए दिखेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैदराबाद की आज के मुकाबले में हमें प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी टीम की प्लेइंग 11 की, यानी केकेआर की टीम की आज के मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की, तो केकेआर की टीम के लिए शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी हमें ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि नंबर 3 पर नीतीश राणा, नंबर 4 पर ओयन मॉर्गन, नंबर 5 पर यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखेंगे, जबकि नंबर 6 पर यहाँ पर शाकिब अल हसन की एंट्री हो जाएगी, नंबर 7 पर आंद्रे रसल खेलते हुए दिखेंगे जिनको की बल्लेबाजी में प्रमोट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही नंबर 8 पर पैट कमिंस, नंबर 9 पर शिवम मावी, नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आज के मुकाबले में यहाँ पर इन दोनों टीमों की हमें प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग दोनों टीमों में से कौन सी टीम की प्लेइंग 11 ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी फैक्टर की, यानी इस मैच की प्रेडिक्शन की, आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, तो आंकड़ों के आधार पर तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों ही टीमें बराबर दिख रही है। इसी वजह से यहाँ पर इस मुकाबले में थोड़े बहुत केकेआर के अधिक चांसेस होंगे, यानी 51% तक केकेआर की टीम के मैच जीतने के चांसेस होंगे, जबकि 49% तक हैदराबाद की टीम के मैच जीतने के चांसेस होंगे, यानी दोनों ही टीमों के इस मुकाबले में ऑलमोस्ट बराबर चांसेस होंगे। तो आप प्रेडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट
करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज आईपीएल का तीसरा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करे लाइक और चैनल को जरूर करे सब्सक्राइब।